मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें लाडली बहना योजना का नाम दिया गया है, उस योजना का अब यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार हो चुका है। और उसी के साथ यह जो योजना है उसमें जो महिलाएं जिस इस योजना के अंदर पात्र हैं उन महिलाओं की अब यहाँ पर स्क्रूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं बात करें हम KYC की, तो ई KYC के यहाँ पर कई शिविर भी जो है शुरू किए जा चुके हैं। इंदौर में बात करें तो इंदौर में जितने भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अलग अलग अपने क्षेत्रों में इस शिविर की व्यवस्थाएं की है। वहां पर माकूल व्यवस्था, कंप्यूटर के साथ साथ पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। उसी के साथ हम बात करें इंदौर के नगर निगम जोन की, तो जितने भी इंदौर के नगर निगम जोन तकरीबन 19 जोन इंदौर में है और उन्हीं 19 जोनों में यहाँ पर कई प्रकार के जो है अलग अलग शिविर बनाए गए हैं, अलग अलग यहाँ पर बैठक व्यवस्था की गई है और EKYC के तौर पर जो व्यवस्था यहाँ पर है वो लगातार जारी है। जितनी भी महिलाएं हैं अपने जितने तमाम दस्तावेज हैं वो वहाँ पर लेकर पहुँच रही हैं और जो दस्तावेज वहाँ पर लगना है उन दस्तावेजों की पूरी जांच की जा रही है, उन दस्तावेजों को देखा जा रहा है। और अगर कोई महिला या कोई परिवार ऐसा है जो इस योजना में पात्र नहीं है उनको बताया जा रहा है कि आप इस योजना में पात्र नहीं हैं, आप इस योजना के योजना में फॉर्म जमा ना करें। वहीं अभी फिलहाल में जब बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो इंदौर को तकरीबन 5 लाख यहां पर महिलाओं का पंजीयन करने का एक टारगेट दिया गया है। उस टारगेट को इंदौर जल्द पूरा करेगा क्योंकि यह जो टारगेट है वो 5 लाख महिलाओं के लिए सबसे पहले यहां पर शुरू किया गया है। और उसी के साथ आने वाले समय में भी यह जो योजना है ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल में 5 लाख फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। जो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो इस योजना की पात्र हैं वो इस फॉर्म को भरेंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, तकरीबन 1,000 रुपये महीना यहाँ पर उन महिलाओं को मिलेगा जो महिला इस योजना की योजना में पात्र रहेंगी। इंदौर से इस वक्त धर्मेंद्र यादव के साथ अरुण यादव, MP न्यूज़ इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।